अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सेंडिंग ट्रैक से कम्प्लीटली पढ़ लिया है और हमने पढ़ा था लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे या ट्रैक का क्या काम होता है, ये दो तरह की सेंसेशंस को हमारे ब्रेन की तरफ लेके जाता है, पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को। आज हमने पेन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है कि इसके जो रिसेप्टर हैं फ्री नर्व एंडिंग्स वो किस तरह स्टिमुलेट होती हैं, ठीक है, और कितनी तरह का पेन है, स्पेशली फास्ट एंड स्लो पेन होता है, उसका डिफरेंस आज हमने करना है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड देन हम देखेंगे कि ब्रेन जो है वो किस तरह कंडक्ट होता है ब्रेन की तरफ, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पाथवे हम इसका चुके हैं। पेन है क्या? बेसिकली एक सेंसेशन होती है अबाउट इंजरी। हमारी बॉडी में जब हमारे टिश्यूज में इंजरी होती है फिजिकल या केमिकल, तो उनमें से बच्चों कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, ठीक है। कोई भी फिजिकल और केमिकल डैमेज जब होता है टिश्यूज में, तो ये सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, एसिड, फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड एंड पोटाशियम। ये क्या करते हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं ये केमिकल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? फ्री नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स बेसिकली रिसेप्टर्स होती हैं पेन का, ठीक है। तो फ्री नर्व एंडिंग को जब ये चीज़ें आके स्टिमुलेट करती हैं, तो वो इस स्टिमुलस को ट्रांसमिट करती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स टुवर्ड द ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे फ्री नर्व एंडिंग का जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसको कम करने के लिए दो और चीज़ें होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और हमारे पास और सब्सटेंस पी, ठीक है। ये क्या करते हैं? थ्रेशोल्ड लेवल को कम करते हैं ताकि नर्व एंडिंग्स जल्दी से स्टिमुलेट हों और वो ट्रांसमिट करें उस स्टिमुलस को या उस इंपल्स को जो उन्होंने रिसीव की है टिश्यू डैमेज होने के रिस्पॉन्स में। अब ये जो बच्चों हमारे पास इंपल्स आई है, ये स्टिमुलस पर डिपेंड करते हुए दो तरह की हो सकती है, या तो ये फास्ट पेन के लिए इंपल्स होगी या स्लो पेन के लिए इंपल्स होगी। अब फास्ट पेन बच्चों वो पेन होता है जो स्टिमुलस के विद इन 0.1 सेकंड के बाद हम फील हो जाता है, ठीक है, जबकि स्लो पेन पूरे 1 सेकंड के बाद फील होता है। फास्ट पेन से हमारी मुराद क्या है, इसको आप याद रख लें, पास से, ठीक है, PAS पास, ठीक है। प्रिकिंग पेन, एक्यूट और शार्प पेन, ये तीनों पेन जो है फास्ट पेन की कैटेगरी में आते हैं, जबकि बर्निंग सेंसेशन बैड से आप याद रख लें, बर्निंग, इचिंग और थ्रॉबिंग की जो सेंसेशन है वो स्लो पेन में आती हैं, वो इतने ज़्यादा फास्टली नहीं पहुँचती हमारी ब्रेन तक। हालांकि प्रिकिंग की सेंसेशन बहुत ऐसे जो भी प्रिक होता है तो हमें फौरन वो पेन फील हो जाता है। ये इन दोनों का पहला डिफरेंस है। उसके बाद हम स्टिमुलस देखते हैं कि स्टिमुलस दोनों की किस तरह से डिफरेंस है। फास्ट पेन की स्टिमुलस हो सकती है थर्मल या मैकेनिकल। थर्मल या मैकेनिकल चेंज जिसने हमारे टिश्यू को डैमेज किया है वो फास्ट पेन कॉज करेगा, जबकि थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलस क्या कॉज करेगा? स्लो पेन कॉज करेगा। अब इनकी ट्रेवलिंग देखते हैं कि जब हमारे पास ये फ्री नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो गई, तो ये पेन किस तरह से जो है वो इन फाइबर्स के थ्रू किस तरह ट्रांसमिट होगा टुवर्ड ब्रेन, ठीक है। दोनों के फाइबर्स भी अलग होते हैं। फास्ट पेन के जो फाइबर्स हैं ना, जो इसके एक्सोन टर्मिनल जोन को हम कहते हैं ए फाइबर्स, जबकि स्लो पेन वाले फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं सी फाइबर, ठीक है। ये ए फाइबर एंड सी फाइबर जाके इंटर किसको करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड में जो डॉर्सल हॉर्न होता है वहाँ पे जाके ये दोनों प्रोसेसेस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी सेल बॉडी होती है और फिर ये एंटर करते हैं पोस्टीरियर ग्रे मैटर को। अगेन इसकी भी सेल बॉडी होती है और ये भी ऐड करता है जाके किसको? पोस्टीरियर ग्रे मैटर को, ठीक है। ये हमने सारा पढ़ा हुआ कि पेन का पाथवे क्या होता है। तो इसका जो फाइबर है, दोनों के फाइबर्स अपने अपने होते हैं। इसके फाइबर को हम क्या कहते हैं? स्लो वाले को सी, स्लो से सी, और हमारे पास एस और सी के वास्ते हैं, ठीक है। और जबकि फास्ट वाले फाइबर को क्या कहते हैं? ए फाइबर कहते हैं, ठीक है। याद आपने ये रखना है कि इसकी जो एक्सोन्स हैं या जो फाइबर्स हैं उनका डायामीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इनका जो डायामीटर है वो कम होता है। दूसरी बात यह, इनका डायामीटर ज़्यादा होता है इसलिए इनकी जो वेलोसिटी है कंडक्शन की या ट्रैवलिंग की वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इनको फास्ट कहते हैं। इनकी कम होती है, ठीक है। कितनी फास्ट होती है? इनकी होती है 6 से लेकर 30 मिलीसेकंड तक, जबकि अगर हम स्लो की देखें तो दैट इज़ ओनली अबाउट 0.5 सेकंड टू 3 और 2 मिलीसेकंड। और ये फौरन जो है वो कॉन्शियसनेस लेवल तक पहुंच जाता है। जैसे हमें प्रिक होती है, हमें फौरन ऐसे झटका लगता है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, सोए तो नहीं रहते ना। और ये थोड़ी देर बाद पहुंचता है, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का डिफरेंस ये है कि ये ना लोकलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हैमर मारा यहाँ पे, ठीक है, और या फिर प्रिक किया, तो मुझे सही मेरा दिमाग सेंस कर लेगा कि मुझे पेन है कहाँ पे, इस जगह पे है, ठीक है। लेकिन ये हो गया फास्ट पेन की एग्जाम्पल कि ये लोकलाइज होता है और हम इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें इस जगह दर्द हो रहा है। और अगर हम बात करें स्लो पेन की, तो इसकी पोजीशन को लोकलाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इन आर्थराइटिस, ठीक है, हड्डियों का दर्द हो रहा होता है पेशेंट को, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अपने किसी भी जॉइंट, हिप जॉइंट या नी जॉइंट, उसके इर्द गिर्द वो कहेगा मुझे सारे एरिया में दर्द है। वो किसी एक पॉइंट या एक जगह को ऐसे स्पेसिफिक टच नहीं कर सकता कि मुझे इस जगह पे दर्द है, ठीक है। तो जो स्लो पेन होता है ना बच्चों, वो लोकलाइज नहीं होता, जबकि ये लोकलाइज होता है। अगेन हम बताते हैं, ये बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, इनका ये टाइम लेते हैं स्टिमुलस के बाद। ये प्रिकिंग या एक्यूट शार्प पेन है, ये बर्निंग, एकिंग या थ्रोबिंग पेन है, ठीक है। इसके बाद इसका स्टिमुलस थर्मल और मैकेनिकल है, इसका केमिकल भी हो सकता है। इसके ए फाइबर हैं, ये सी फाइबर हैं। इनके फाइबर्स का डायमीटर काफ़ी लार्ज होता है, इस वजह से इनकी वेलोसिटी हाई है। इनका डायमीटर कम है, इस वजह से इनकी वेलोसिटी भी कम होती है। कॉन्शियसनेस लेवल तक जल्दी पहुंच जाते हैं, ये लेट पहुंचते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके, ये लोकलाइज होते हैं और ये लोकलाइज नहीं होता पेन।
फिर इन दोनों का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है ना उसमें भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बच्चों। ये जो ब्लू वाला है इसको हम कह रहे हैं फास्ट बैंक का फाइबर, ठीक है ए, और ये क्या है हमारे पास सी है, ठीक है ये जो है ब्लैक वाला। अच्छा अब ए वाले का क्या होता है कि जैसे ये हमारे उसके डॉर्सल हॉर्न में एंटर करता है, ठीक है यहाँ पर इसकी फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी खत्म हो जाती है, सेकंड न्यूरोनल बॉडी इमीडिएटली ए की यहाँ पे है, ए की सिनैप्स हुई है, ठीक है लेटरल साइड पे आती है और यहाँ से ऊपर जाती है थैलेमस में, थैलेमस के पास सेकंड न्यूरोनल बॉडी खत्म होती है तो थर्ड जो है थैलेमस से स्टार्ट होकर इंटर न्यूरोन के पोस्टीरियर लिम्ब से गुजर के सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाती है और फॉरन यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है जल्दी जल्दी कि कहीं पे भी ब्रेकिंग हुई है या फास्ट पेन हो रहा है, ठीक है जबकि इसका ऐसा नहीं है, ये बड़ा स्लो होता है और यहाँ पे ये रिलाई भी करता है। रिलाई का मतलब होता है ये एक सिनैप्स दूसरी बॉडी को देता है, दूसरी तीसरी को, ऐसी ऐसी अभी न्यू रिसर्चेज आई हैं कि ये बीच में यहाँ पे काफ़ी सारी 6-7 सिनैप्सेस न्यूरोनल बॉडी के साथ सिनैप्सेस करता है और फिर इस साइड पर पहुँचता है, ठीक है। अब फिर जब ये ऊपर जाता है थैलेमस में तो मोस्टली थैलेमस के लेवल पे जाके ना ये यहाँ पे फास्ट पेन स्लो पेन खत्म हो जाता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जाता, जबकि फास्ट पेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है और कॉन्शियसनेस लेवल तक जाता है, ये नहीं जाता। हाँ ये क्या करता है कि कभी कभी ये कुछ ब्रांचेस दे देता है अपनी रेटिकुलर फॉर्मेशन को, ठीक है ये रेटिकुलर फॉर्मेशन पड़ी होती है ब्रेन स्टेम के लेवल पे, इसको इन्फॉर्मेशन देता है। अब इनडायरेक्टली इस रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कहाँ तक जा रहे होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, तो ये जो स्लो पेन के सिग्नल इसको आते हैं ना तो ये ब्रेन को बता देता है हाँ इतना ज़्यादा दर्द नहीं है, ठीक है तो अब तुम्हें कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइबर डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचते। और अगर हमारे पास कोई अलार्मिंग कंडीशन हो और उसमें भी मतलब स्लो फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहे हों और यहां पे काफी सारे स्लो फाइबर्स इस रेटिकुलर को मिले तो फिर ये ब्रेन को बताता है और उसकी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, तो हम कह सकते हैं स्लो फाइबर्स इनडायरेक्टली ब्रेन के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करते हैं और ये डायरेक्टली ब्रेन के कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है इनके टर्मिनेशन में भी ये डिफरेंस है। अच्छा अब ये तो बेसिक होगी ना कि स्लो पेन ने कहां जाना और फास्ट पेन ने कहां जाना, अब वो पेन आ कहां से रहा है या उसका जो एक या जो उसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट होना इस पर डिपेंड करते हुए भी वो आगे तीन जगहों पे टर्मिनेट होता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास जाता है और पोस्ट सेंट्रल गायरस उन पेन्स जो उसके पास आई हैं स्टिमुलस उनको इंटरप्रेट करता है पास्ट रिलेशन के साथ, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है पोस्ट से आपने याद रखना है पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके वो इंटरप्रेट करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे हमें कभी पहले भी दर्द हुआ हो टांग का फिर हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है खुद ही ठीक हो जाएगा, तो पहले भी हुआ था मुझे, तो हम उसको ना पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हैं और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सिंगुलेट गायरस होता है वहाँ पर कुछ नर्व फाइबर्स जाते हैं और वो उन टर्मिनल्स को या फाइबर्स को इंटरप्रेट करता है इमोशनल एस्पेक्ट से, यानी जो इमोशंस वाले इमोशन की वजह से हमें कोई पेन हो रहा होता है ना तो वो उसने जाके कहाँ टर्मिनेट होना है किस रीजन पे, सिंगुलेट गायरस पे, और सिंगुलेट से सिंगल से आप कर लें इमोशंस, ठीक है जब हम सिंगल हो जाते हैं तो बड़ा इमोशनल जो है वो एक क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है तो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन को कौन इंटरप्रेट करेगा, सिंगुलेट गायरस। और इसी तरह इंसुलेट से आप याद रख लें कि इनर ऑर्गन्स, ठीक है इनर ऑर्गन जैसे दिल में दर्द हो रहा है, दिल में तो नहीं होता मैदे में हो रहा है या हमारे स्टमक में या कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो जो विजरास की जो पेन स्टिमुलस होती हैं वो जब जाती तो उन्होंने जाके कहां टर्मिनेट होना होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर उन्होंने कहां टर्मिनेट होना होगा इस इंसुलेट गायरस के ऊपर, ये उसको इंटरप्रेट करेगा और एक ऑटोनॉमिक रिस्पांस जनरेट करेगा। तो ये तीन पॉइंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस रीजन से ये स्टिमुलस आ रही है, अगर ये इमोशनल है इमोशनल एस्पेक्ट है तो सिंगुलेट गायरस इसको इंटरप्रेट करेगा, अगर पास्ट है पहले भी कभी हो चुकी थी तो पोस्ट सेंट्रल गायरस इसको इंटरप्रेट कर देगा पास्ट एक्सपीरियंसिस के साथ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और अगर हमारे पास ये इनर ऑर्गन से आ रही है तो इंसुलेट गायरस के पास जाएंगी विद इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स फाइबर्स और वो वहां से एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। ये एक जो है वो पेन के बारे में बताया हुआ था। इसके अलावा दो थ्योरीज है, गेटिंग थ्योरी और एनल्जेसिक। हाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी सेकंड न्यूरोनल बॉडी के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करती है ना सिनैप्स बनाती है, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो सिनैप्सेस बनाता है। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होते हैं, एक ग्लूटामेट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास सब्सटेंस पी, ठीक है। ग्लूटामेट जो है वो बड़ा फास्ट एक्टिंग है और ये फास्ट फाइबर्स की सिनैप्सिस में हेल्प करता है और ये लोकलाइज भी होता है, ठीक है, जबकि ये स्लो एक्टिंग है और ये इजीली यहाँ से डिफ्यूज हो जाता है और दूसरी न्यूरॉन्स को भी जाकर डिस्टर्ब करता है। तो ये आपने याद रखना है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है सिनैप्सिस में, ग्लूटामेट और न्यूरोपेप्टाइड पी,